नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वैशाख पूर्णिमा क्या है और वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है। वैशाख माह वर्ष का द्वितीय माह होता है। इस माह के अंतिम दिन का वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व होता है? वैशाख पूर्णिमा की तिथि भगवान सत्यनारायण जी की होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा परिवार पर बनी रहती है। इस दिन जो भी हम पूजा पाठ स्नान दान करते हैं, मनुष्य को उससे अपने पापों से मुक्ति दिलाता है। वैशाख पूर्णिमा पर किया गया छोटा सा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इस दिन हमें चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अन्न का फल का दान हमें अवश्य करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। राधे राधे।